कोरियन वालों की स्किन कभी आपने नोटिस किया है कितनी फ्लॉलेस और स्मूथ होती है? क्या आप भी वैसी स्किन अचीव करना चाहते हैं? देन योर क्लिक इज राइट। लेकिन बट फॉर द रिजल्ट्स के लिए वीडियो पूरी आपको एंड तक देखनी होगी। तो आज मैं आप सभी के साथ होममेड कोरियन फेस मास्क की रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। और जो इंग्रेडिएंट्स बताने वाली हूँ ना, वो आपके किचन से इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लेक्शन की बात नहीं हो रही है, एवरी कॉम्प्लेक्शन इज ब्यूटिफुल इन इटसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक में। और सभी मेरे व्यूअर्स का खुशामदीद है मेरे यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो को ढेर सारा प्यार जताने के लिए जज़ाकअल्लाह खैर, शुक्रन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक होममेड कोरियन फेस मास्क। वैसे तो यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्शन की बात नहीं हो रही है, एवरी कॉम्प्लेक्शन इज ब्यूटिफुल इन इटसेल्फ, पहले ही क्लियर करते चलो, वरना आपको ये गलत फहमी ना हो जाए कि यहाँ पर कोई ऐसी रेमेडी बताई जा रही है जिसमें आप एकदम से गोरे चिट्टे होने वाले हैं। डाउट क्लियर हो गया है ना? तो वॉट ऑल वी नीड टू डू इज हमारे स्किन की टेक्स्चर को एनहेंस करने के लिए जो डिस्कलरेशन है और जो भी स्किन प्रॉब्लम्स है ना, उसे हम सॉल्व करते हैं, जिसकी वजह से आपका स्किन बहुत ही अच्छे से फ्लॉलेस स्मूथ दिखती है। तो वो फेस मास्क की रेमेडी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिए, कोरियंस को तो आपने नोटिस किया ही होगा कि उनकी स्किन कितनी फ्लॉलेस होती है, कुछ भी किसी भी तरह का पिगमेंटेशन नहीं होता, कुछ भी डिस्कलरेशन नहीं होती, इवन एक पिंपल तक उनके चेहरे पे नहीं दिखता। तो उनके थोड़े से कुछ सीक्रेट्स होते हैं, बहुत सारे सीक्रेट्स भी हैं जो कुछ रिवील हुए हैं और कुछ रिवील होने वाले हैं। इनकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस में बहुत ज़्यादा फेमस है, और इसके अलावा उनका जो स्किन का टेक्स्चर होता है बहुत ही स्मूथ होता है, कुछ भी किसी भी तरह का उनको प्रॉब्लम नहीं होती। तो आज मैं उस फेस मास्क की रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, उसको कैसे प्रिपेयर करना है, कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, जो मैं इंग्रेडिएंट्स बताने वाली हूँ आपके किचन से इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है, जरूर पहले वीडियो को देख लीजिए कि आपको इसे कैसे प्रिपेयर करना है, इसके बाद इस रेमेडी को ट्राई जरूर करना है। सो मैं आपको उस वीडियो की तरफ लेकर चलती हूँ जहां पर मैं उस फेस मास्क की रेमेडी शेयर कर दूं। इस मैजिकल फेस मास्क को प्रिपेयर करने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक बॉल। मेक श्योर जो बॉल हो वो चीनी का हो या फिर फाइबर का, कोई भी रिएक्टेबल बॉल आपको लेना नहीं है, जैसे कि मेटल का या फिर स्टील का, जिसकी वजह से आपको जो रिजल्ट्स मिलने थे वो अपोजिट डायरेक्शन में मिल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ चावल का आटा। चावल का आटा आपको जो आपके स्टोर से अवेलेबल होता है ना, वही लेना चाहिए, क्योंकि घर का पिसेवा वो उतना फाइन नहीं होता है, वरना वो ये जो फेस पैक जाकर आपको स्क्रब बन जा सकता है। सो मेक श्योर आप ऑनलाइन से परचेस कीजिए या फिर पास वाले स्टोर से भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सेकेंड इंग्रेडिएंट है मैदा। मैदे में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरीज पाए जाते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, और दोनों का जो मिक्सचर है ना, चावल का आटा और मैदा, ये दोनों भी आपके सेंस ऑफ एजिंग को स्लो डाउन करते हैं, यूवी रेज से प्रोटेक्ट करते हैं, इम्प्योरिटीज को निकालते हैं, जो पिंपल कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं ना उसे भी निकालती और आपको इवन स्किन टोन देने में हेल्प करती। नेक्स्ट दही मैं यहाँ पर ले रही हूँ। दही में ना लैक्टिक एसिड होता है, जिसकी वजह से आपकी डेड स्किन सेल्स क्लियर ईजिली रिमूव हो जाती है और आपकी स्किन को बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ बना देती है। और इसमें जो प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं ना, वो डीपली नरिश करते हैं आपकी स्किन को। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ हनी। हनी में तो भरपूर मॉइस्चराइज होता है, जो आपकी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करता है और पोर्स को डीपली क्लेंस करता है। ये नेचुरल क्लेंजर की तरह भी माना जाता है, यहाँ तक कि आपके स्कार्स पिगमेंटेशन को लाइटन अप करता है। तो यहाँ पर मैंने हाफ टेबल स्पून या वन टेबल स्पून के आसपास मैंने हनी डाल, लेकिन चार इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो गई थी, तो मैंने यहाँ पर रोज़ वाटर ऐड कर लिया। रोज़ वाटर के तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, नेचुरल ऑयल को बैलेंस करता है, स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है, आपके स्किन को ब्राइटन अप करता है, स्किन को टाइटन अप करता है, पोर्स को मिनिमाइज करता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है बॉल में। मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं आपको अपने हैंड्स पर अप्लाई कर बता दूँगी। वाओ, इतना स्मूथ इसका टेक्स्चर है ना, बस लविंग द टेक्स्चर। और अभी मैं आपको अपने फेस पर भी अप्लाई कर बता रही हूँ। मेक श्योर कोई भी मेकअप ना हो और फेस आपका अच्छे से क्लीन होना चाहिए, कुछ भी मेकअप नहीं होना चाहिए। फेस वॉश करने के बाद ही अप्लाई कीजिए।
अच्छे से इवनली स्प्रेड कीजिए एज यूजुअल, जो भी मैं बोलती हूँ, जो भी फेस मास्क आप अप्लाई करें विद द हेल्प ऑफ फिंगर से ही अच्छे से अप्लाई कीजिए। अब मैंने यहाँ पर अपने फेस पर अप्लाई कर लिया। मिनिमम इसे आपको 10 से 15 मिनट ही रखना है, ज़्यादा देर तक नहीं रखना है। मैंने थिक लेयर लगाई थी इसलिए ये ड्राई नहीं हुआ, लेकिन जहाँ पर तीन थी वहाँ पर ड्राई हो चुका था। और दूसरा रीज़न, इसमें दही है, ये कम्प्लीटली ड्राई नहीं हुआ। जैसे ही 10 से 15 मिनट होता है ना, अच्छे से नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है आपको। वॉश करने के बाद आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही प्लम्प, वाह, आपको खुद यूज़ करने के बाद मालूम होगा बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी। ज़रूर ट्राई कीजिए। इस फेस मास्क को बनाना कितना आसान है, कितना सिंपल है, आपने इसके बारे में अच्छे से जान ही लिया होगा। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर मैं बताने चलूँ ना तो सेपरेट सा वीडियो ही बन जाता है, बट आप ऐसा समझ लीजिए जो आपकी स्किन में जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जो भी डिस्कलरेशन, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, यहाँ तक कि सन टैनिंग हो गई है, यहाँ तक कि आपको अनइवन स्किन टोन है, स्किन के टेक्स्चर को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, पिंपल्स है, एक्नी मार्क्स है, स्कार्स है, काफ़ी हद तक फेड आउट हो सकते हैं, इस रेमेडी को रेगुलर बेसिस पर आपको यूज़ करना है। और मेक श्योर बहुत ही अच्छे से सिंसियरिटी से फॉलो कीजिए, अच्छे से फॉलो कीजिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलते हैं। एज बहुत ही ब्यूटीफुल सी रेमेडी है, ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए। फीडबैक ज़रूर देना है कि आपके लिए रेमेडी कितनी हेल्पफुल रही है। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जिसके सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप मुझे पहली बार देख रहे हैं ना, तो मेरे यूट्यूब फैमिली मेंबर का हिस्सा बन जाइए, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जस्ट आपको जो रेड कलर का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब, उसे क्लिक करना है, और जो उसके साइड में जो बेल आइकॉन का भी बटन है ना, उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि मेरे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर लाइक और कमेंट कर बता देना, और अपने प्यारों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में दुआ में याद। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।